एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किसकी है? यूज ऑफ इज एंड आर की। एम नहीं है इसमें, ओनली यूज ऑफ इज एंड आर है। ओके, तो आज आप लोगों को पता है कि हमने पहले इज एंड आर का यूज अच्छे से समझ लिया था, तो एक्सरसाइज सीधे स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज। स्क्रीन पे आपकी एक्सरसाइज आई हुई है, आपकी फाइल में भी एक्सरसाइज है। उसको अच्छे से सुनिए इस वीडियो को, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, नोटबुक पे नोट करना है। ओके, तो जो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट सेंटेंस है, वो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? द कैट डैश अंडर द चेयर। इस पिक्चर में देखिए, कैट है वो क्या है? चेयर के अंडर है। पिक्चर्स भी दे रखी हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। द कैट डैश अंडर द चेयर। तो द कैट, कैट एक चीज़ का नाम लिया हुआ, किसी भी एनिमल का नेम लिया हुआ है, तो एक का लिया हुआ है ना। तो जब एक चीज़ का नेम आता है तो मैंने क्या बताया था आपको, किसका यूज़ करना है? इज का यूज़ करना है। ओके, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? द कैट इज अंडर द चेयर। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो क्या है? सम बुक्स डैश ऑन द टेबल। सम बुक्स डैश ऑन द टेबल्स। आप देखिए क्या है जो हमारा सेकंड सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड है, सम बुक्स। बुक्स आया, नॉट बुक। एक बुक की बात नहीं हो रही यहाँ पर, क्या एक से ज़्यादा बुक्स की बात हो रही है? तो क्या, जब मैंने बताया था कि जब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात होती है तो हम किस क्या यूज़ करते हैं? आर का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। द बुक्स, सम बुक्स आर ऑन द टेबल। जो थर्ड सेंटेंस है हमारा, द फ्रूट्स डैश इन द बाउल। फ्रूट्स बोला गया है तो किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। द फ्रूट्स आर इन द बाउल। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डैश मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। चिल्ड्रन, जब चाइल्ड बोला जाता तब हम एक चीज़ मानते हैं। चिल्ड्रन बोला गया मीन्स बहुत सारे बच्चों की बात हुई है। जब बहुत सारे बच्चों की बात होती है तो क्या है हमें किसका यूज़ करना है? आप लोगों को पता ही है, आर का यूज़ करना है। वेरी गुड। तो हमें किसका क्या करेंगे, इस सेंटेंस को दोबारा से पढ़ेंगे, क्या है? द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। ओके, अब हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, सम बर्ड्स डैश सिटिंग ऑन द ब्रांच। सम बर्ड्स, यहाँ पे भी बर्ड्स, काफ़ी सारे बर्ड्स की बात हुई है, नॉट वन बर्ड। ओके, तो क्या इसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ए बॉय डैश रनिंग। ए बॉय, एक बच्चे की बात हुई है, एक लड़के की, तो हम किसका यूज़ करेंगे? इज का यूज़ करेंगे। ए बॉय इज रनिंग। नेक्स्ट है माई ब्रदर डैश कलरिंग विथ क्रियॉन्स। क्या है? माई ब्रदर, उसने ये नहीं बोला कि माई ब्रदर्स, क्या बोला है? माई ब्रदर, मेरा भाई, मतलब कि एक बॉय की बात हुई है, तो इसमें क्या करेंगे? इज का यूज़ करेंगे। माई ब्रदर इज कलरिंग विद क्रियॉन्स। नेक्स्ट है द गीज डैश स्विमिंग इन द लेक। गीज, गीज मतलब कि इन्होंने दो गीज की बात की है, एक से ज़्यादा है, तो आपको किसका यूज़ करना है? आर। द गीज आर स्विमिंग इन